आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स केमिस्ट्री फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ डाउनलोड नाउ हेलो स्टूडेंट्स हियर क्वेश्चन गिवन है स्टडी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन बिलो देयर आर सेवन फ्रेंड्स ए बी सी डी ई एच एंड आई Who have participated in a race competition of 100 meter, 200 meter, and 400 meter, not necessarily in the same order. They all got different ranks according to their performance first, second, and third, but not necessarily in the same order. They all belong to डिफरेंट स्टेट्स हरियाणा बिहार उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र आसाम छत्तीसगढ़ एंड तेलंगाना बट नॉट नसेसरली इन द सेम ऑर्डर नोट गिवेन है वनली थ्री ऑफ दैम गॉट फर्स्ट रैंक नो टू परसन गेट द सेम रैंक इन द सेम रेस फ्रेंड्स क्वेश्चन में कहा गया है कि सेवन फ्रेंड्स हैं जो कि एक रेस कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं जो कि 100 मीटर 200 मीटर और 400 मीटर की है बट यह आवश्यक नहीं है कि इसका क्रम सेम हो ये सभी अपनी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग डिफरेंट रैंक प्राप्त करते हैं जैसे कि फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड बट यह आवश्यक नहीं है कि इनका क्रम सेम हो ये सभी डिफरेंट स्टेट से बिलोंग करते हैं जैसे कि हरियाणा बिहार उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र आसाम छत्तीसगढ़ एंड तेलंगाना और इनका भी क्रम आवश्यक नहीं है कि सेम हो यहाँ पर नोट गिवन है कि केवल थ्री पर्सन जो है इनमें से वह फर्स्ट रैंक प्राप्त करते हैं। और कोई भी टू पर्सन सेम रैंक सेम रेस पे प्राप्त नहीं करेगा यह भी इंफॉर्मेशन है तो आगे क्वेश्चन को रीड करने से पहले हम एक टेबल फॉर्म कर लेते हैं फ्रेंड्स ये हमने टेबल फॉर्म कर ली है अब फर्स्ट वाले वाले सेक्शन पे पे हम लिख लेते पे लिख लेते लेते हैं हैं फ्रेंड्स जो क्वेश्चन में है देन रेस कितने मीटर की थी और थर्ड वाले पे हो गया रैंक और फोर्थ वाले पे हो जाएगा स्टेट कि किस स्टेट से कौन सा पर्सन बिलोंग कर रहा है अब अगर हम क्वेश्चन को रीड करें तो क्वेश्चन में गिवन है H belongs to Assam and has participated in 200 meter race. E has got second rank in a race but not in 200 meter. The one who belongs to Bihar has got first rank in 400 meter race. A belongs to Haryana and he does not participated in 200 meter race. B does not belong to Maharashtra and Chhattisgarh, and B does not get second rank. The one who belonged to Chhattisgarh has participated in 400 meter race and got second rank. C has got first rank in a 200 meter race. Among them, only one person got third rank in the race. Who belonged to Pradesh? गॉड सेकेंड रैंक इन फोर हंड्रेड मीटर रेस बोथ ई एंड आई डज नॉट बिलोंग टू यूपी थ्री पर्सन इज पार्टिसिपेटेड इन हंड्रेड मीटर रेस मींस एच बिलोंग करता है आसाम से और उसने टू हंड्रेड मीटर रेस पे पार्टिसिपेट किया है और ई e प्राप्त करता है सेकेंड रेस बट टू हंड्रेड मीटर की रेस पे नहीं तो एच के लिए अगर हम इंफॉर्मेशन लिखें तो एच बिलोंग कर रहा है आसाम से तो यहां पर हम लिख देते हैं आसाम और इसने 200 मीटर की रेस पे पार्टिसिपेट किया है तो हमने 200 मीटर लिख दिया ई जो है वह सेकंड रैंक फाइंड करता है तो यहां पर हम लिख देते हैं सेकंड रैंक बट 200 मीटर रेस पे नहीं तो हम 200 मीटर को यहाँ पर क्रॉस कर देते हैं देन गिवन है कि वह पर्सन जो कि बिहार से बिलोंग करता है उसने फर्स्ट रैंक प्राप्त की है 400 मीटर रेस पे तो यहाँ पर हम उस पर्सन को लिखते हैं जो कि बिहार से बिलोंग करता है 400 मीटर रेस और इसने फर्स्ट रैंक प्राप्त की है देन क्वेश्चन में गिवन है कि ए बिलोंग करता है हरियाणा से लेकिन उसने 200 मीटर रेस पे पार्टिसिपेट नहीं किया है तो ए के लिए हम स्टेट लिख देते हैं हरियाणा पर ए 200 मीटर रेस पे पार्टिसिपेट नहीं करेगा तो हमने 200 को क्रॉस कर दिया बी महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ से बिलोंग नहीं करता है और बी सेकंड रैंक भी प्राप्त नहीं करता है तो बी की पोजीशन हियर हो सकती है वह पर्सन जो छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता है वह 400 मीटर पे रे, रेस पे पार्टिसिपेट करता है और सेकंड रैंक प्राप्त करता है तो अगर हम देखें तो ई e जो है वह सेकंड रैंक प्राप्त कर रहा है टू हंड्रेड मीटर रेस नहीं है तो हम ई e पे कर देते हैं फोर हंड्रेड मीटर रेस और यह बिलोंग करेगा छत्तीसगढ़ से क्योंकि क्वेश्चन में यह भी इंफॉर्मेशन गिवन है कि बी ना तो महाराष्ट्र से बिलोंग कर रहा है ना कि छत्तीसगढ़ से सी प्राप्त करता है फर्स्ट रैंक 200 मीटर रेस पे तो हम सी के लिए लिख देते हैं कि इसने 200 मीटर रेस पे फर्स्ट रैंक प्राप्त की है इनमें से केवल वन पर्सन ऐसा है जिसने थर्ड रैंक रेस में प्राप्त की है और यह महाराष्ट्र से बिलोंग करता है तो यहाँ पर हम लिखते हैं महाराष्ट्र और इस पर्सन ने थर्ड रैंक प्राप्त की है केवल पर्सन बिलोंग करता है उत्तर प्रदेश से जिसने सेकंड रैंक प्राप्त की है हंड्रेड मीटर रेस पे तो अगर हम देखें तो यहां पर लिख देते हैं उत्तर प्रदेश और इसने हंड्रेड मीटर रेस पे सेकेंड रैंक प्राप्त की है तो यहाँ पर हम लिख देते हैं सेकेंड ई e और आई जो है वह यूपी से बिलोंग नहीं करते हैं तो यहाँ पर आई तो होगा नहीं और ई e तो ऑलरेडी हमने फाइंड कर लिया है कि ई e 400 मीटर रेस पे सेकेंड रैंक प्राप्त किया है छत्तीसगढ़ पे और अगर हम देखें तो केवल थ्री पर्सन पार्टिसिपेट कर रहे हैं हंड्रेड मीटर रेस पे तो अगर हम देखें तो हंड्रेड मीटर रेस ए जो है वो टू हंड्रेड मीटर पे पार्टिसिपेट नहीं कर रहा तो हंड्रेड मीटर हीयर हो जाएगा और हंड्रेड हमें थ्री स्पेसेस पे चाहिए था तो यहाँ पर महाराष्ट्र से जो पर्सन पार्टिसिपेट कर रहा था वो भी हंड्रेड मीटर रेस पे थर्ड रैंक फाइंड किया है अब अगर हम देखें तो गिवन स्टेट में से तेलंगाना रिमेनिंग है तो यहाँ पर हम सी के लिए लिख देते हैं तेलंगाना और अगर हम रैंक देखें तो रैंक ए के लिए हो जाएगी फर्स्ट क्योंकि थ्री पर्सन ऐसे थे जिन्होंने फर्स्ट रैंक प्राप्त की थी और सेम रैंक सेम रेस के लिए नहीं होगी तो अगर हम देखें तो 200 मीटर के लिए फर्स्ट रैंक 400 मीटर के लिए फर्स्ट रैंक हो गई 100 मीटर रिमेनिंग है तो ये भी क्या हो जाएगी फर्स्ट रैंक हो जाएगी अब अगर हम रिमेनिंग पर्सन में देखें तो रिमेनिंग पर्सन में अभी बी रिमेनिंग है डी रिमेनिंग है और आई रिमेनिंग है थ्री पर्सन रिमेनिंग है तो क्योंकि आई को हमने यहाँ पर क्रॉस कर रखा है और बी ने फर्स्ट रैंक और 400 मीटर रेस पे उसने फाइंड किया था तो ये पोजीशन हो गई बी की अब अगर हम डी और आई में देखें तो इन्फॉर्मेशन में ये भी गिवन था कि आई यूपी से बिलोंग नहीं करता है मीन्स आई की पोजीशन हो गई हियर और डी की पोजीशन हो गई हियर और अगर हम रैंक की बात करें तो केवल थ्री पर्सन ही फर्स्ट रैंक फाइंड कर सकते थे और वनली वन पर्सन है जिसने थर्ड रैंक फाइंड की थी तो एच के लिए जो रैंक हो जाएगी वह हो जाएगी सेकंड रैंक इस तरह से हमने गिवन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सभी पर्सन के लिए रेस रैंक और स्टेट फाइंड कर लिया है अब अगर हम क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है बी बिलोंग्स टू विच स्टेट हम देखते हैं बी किस स्टेट से बिलोंग कर रहा है तो बी बिलोंग कर रहा है बिहार से हम देखते हैं कि इस ऑप्शन पे बिहार गिवन है तो फ्रेंड्स ए ऑप्शन पे ही गिवन है बिहार मीन ए ऑप्शन करेक्ट हो गया और बी सी डी ऑप्शन इनकरेक्ट हो गए थैंक यू क्लास सिक्स ट्वेल्थ से लेके नीट आई आई टी जे मीन और एडवांस के लेवल तक दस मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा आज ही आज डाउनलोड करें डाउट या टाट्सअप कीजिए अपने डाउट्स आठ चार सौ चार सौ चार सौ पर